आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अगले महीने से ब्रेड, बिस्किट, रोटी और पराठे की कीमतें बढ़ सकती हैं। दरअसल सरकार ने इस साल अभी तक गेहूं के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी कि OMSS का ऐलान नहीं किया है। आटा, ब्रेड और बिस्किट बनाने वाली कंपनियों को डर है कि अगर ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए गेहूं की बिक्री नहीं होती है तो इससे बाजार में कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकती हैं और गेहूं का सीजन नहीं होने के चलते इसकी किल्लत भी देखने को मिल सकती है। साथ ही ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए सरकार खुले बाजार में अनाज की सप्लाई और कीमतों को नियंत्रित करती है। कीमतों में बढ़ोतरी का असर जून से देखने को मिल सकता है, जब स्कूल कॉलेजों के खुलने और मानसून सीजन के आगमन के चलते पारंपरिक रूप से इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। साथ ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक FCI समय समय पर ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए गेहूं बेचती है ताकि बाजार में इस अनाज की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। ये बिक्री खास तौर से उन सीजन में की जाती है जब बाजार में गेहूं की आवक कम हो जाती है। इससे खुले बाजार में गेहूं की किल्लत नहीं होती है और इसकी कीमत नियंत्रित रहती है। बाजार में गेहूं की स्थिति के आधार पर कंपनियों की FCI से गेहूं की सालाना खरीद कुल क्विंटल से लेकर 70 से 80 लाख टन तक हो सकती है। भारत में पिछले 3 साल से गेहूं का सरप्लस उत्पादन हो रहा है, ऐसे में FCI अपने पास पड़े अतिरिक्त गेहूं को निकालने के लिए डिस्काउंट और माल ढुलाई पर कुछ छूट भी देती है। घरेलू वीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने 2021-22 में सरकार से 70 लाख टन की खरीद की थी। इस साल अगर सरकार OMSS यानी कि ओपन मार्केट सेल स्कीम नीति को जारी नहीं रखने का फैसला करती है तो इंडस्ट्री का अपनी ज़रूरतों पूरा 100% गेहूं खुले बाजार में खरीदना होगा। वहीं इस पर सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इस साल हमें FCI पर निर्भर नहीं रहने का कहा है क्योंकि इस साल वे निजी व्यापारियों को गेहूँ बेचने को लेकर पक्का नहीं है। साथ ही आटा मिलिंग इंडस्ट्री ने हाल ही में फूड मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखकर इस आगामी संकट के बारे में चेतावनी दी। लेटर में कहा गया, यह साफ है कि सरकार के पास साल की दूसरी छमाही में ओपन मार्केट सेल स्कीम के जरिए बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए शायद ही कोई गेहूं बेचेगा। राज्य सरकारों को उनकी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए गेहूं की सप्लाई भी रोक दी गई है, जो आने वाले संकट को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।